पहली बार हम पहला कदम का शो हिंदुस्तान की धरती के बाहर करने जा रहे हैं। हम हैं एक खास देश में, जी हाँ, बहरीन। और ये है वो देश जहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों ने इस देश की तरक्की में बहुत सारा योगदान दिया है। और बहरीन के सी इंस्टीट्यूट के यहाँ के चैप्टर के साथ आज हम पहला कदम का ये खास एपिसोड करने जा रहे हैं। पहली बार हम पहला कदम उन लोगों के साथ उठाने जा रहे हैं जो कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो जानते हैं, समझते हैं कि फाइनेंस मार्केट क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद आज हम उनके साथ पहला कदम करें तो न सिर्फ बहरीन के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर में जो हिंदुस्तानी हैं, एनआरआईज हैं, उनके लिए खास शो रहने वाला है। खास इसलिए भी है क्योंकि मेरे साथ तीन बड़े ही खास मेहमान हैं। जी हाँ, मेरे साथ हैं अरुण ठुकराल, MD और CEO एक्सिस सिक्योरिटीज़ के। दूसरे एक्सपर्ट शंकर शर्मा, फर्स्ट ग्लोबल के हमारे साथ हैं। साथ ही SBI म्यूचुअल फंड के CIO नवनीत मुनोद साहब हमारे साथ हैं। तो आप सब एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास शो में मैं एक काम करने वाला हूँ, मुझे आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि क्यों इक्विटी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आप सब जानते हैं। किस तरह से इक्विटी से वेल्थ बन सकती है, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन क्यों इस वक्त आपको हिंदुस्तान की इक्विटीज़ में पैसा लगाना चाहिए, तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले नवनीत जी आपके साथ। लास्ट में करीब 6-7 महीने पहले ही आया था, अराउंड मई और जून में इन बहरीन, एंड आई थिंक दैट वाज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट वे कि करेक्शन आ जाए, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए। एंड मेरे को आई थिंक लास्ट टाइम आई कोटेड दिस, पीटर लिंच का एक बहुत फेमस कोट है, मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट इन वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन द करेक्शन। तो वहाँ से मार्केट पता नहीं कितना चल गया। मेरी YTD इस साल निफ्टी कुछ अप है 25%, मोर देन दैट इन फैक्ट इन US डॉलर टर्म्स। देन योर मिड कैप इंडेक्स इज अप मोर देन 30%, स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट 50% ऊपर है ये साल। एंड आई थिंक लोग बाग वो करेक्शन का ही वेट करते रहते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरी, आई थिंक स्ट्रक्चरल फैक्टर्स आर वेरी मच इंटैक्ट। इंडियन मार्केट्स इफ यू कंपेयर विद US वेयर दे आर एंड वेयर इंडियाज मार्केट इज, आई थिंक दिस इज जस्ट बिगिनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ऑल द पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट हैव हैपेंड, द वे लोकल मनी, द डोमेस्टिक मनी इज फ्लोइंग इन टू द इक्विटी मार्केट, ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। इन द नियर टर्म देर इज लिटिल बिट ऑफ चैलेंजेस ऑन द इकॉनमी फ्रंट एंड मे बी सम ऑफ द अदर ग्लोबल न्यूज फ्लो, अगर इफ ऑयल प्राइजेस गो अप अ लिटिल बिट, विच आर व्यू हैज बीन दैट ऑयल इज लाइकली टू इंच अप, इफ US फेड इज लाइकली टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली, आई थिंक ऑल एसेट मार्केट्स हैव seen extremely low volatility. Volatility has to go up and I think that will impact Indian markets also, and there are some near-term challenges. So maybe we go through a period of consolidation in the near term, having run up so much what we have run up, and then earnings growth is yet to be seen. I mean, over the next couple of years that will be seen. But from a structural long-term perspective, I think India is definitely a better place than most of the other places in the world. Shankar sir, when last time I interviewed you around Diwali, right? And one headline you gave me, इस तेजी में एक ही है सुपर हीरो एंड दैट इज़ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें जो घट रही है। लेकिन अब हिंदुस्तान में उस पर क्वेश्चन मार्क है whether इंटरेस्ट रेट वुड कम डाउन और नॉट। सो नाउ what's योर सेंस अबाउट इंडियन मार्केट्स, आई मीन द बुल रन विच यू predicted फॉर मैनी मैनी ईयर्स इज intact? मेरा यह मानना है कि मार्केट्स नॉर्मली 3-4 क्वार्टर के आगे नहीं देखती किसी भी चीज़ में, तो दे आर वेरी नियर टर्म मैकेनिज्म ऑफ प्राइसिंग। कोई चीज़ 3 साल के बाद क्या होना है, मार्केट डोंट लुक एट इट, मार्केट 3-4 क्वार्टर को डिस्काउंट करती है। उस डिस्काउंटिंग पीरियड में मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट्स अब घट सकती हैं, और उसके कारण बहुत हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजंस विल बी दैट कि जो इन्फ्लेशन का जो डाउन ट्रेंड था वो हो चुका, अब इसके नीचे वो अब नहीं जा सकता। आई मीन इफ एनीथिंग, अब देखें लास्ट के फ्यू डेटा पॉइंट, तो थोड़ा बहुत उसमें अप ट्रेंड भी है इन्फ्लेशन में, और ऑयल प्राइस माइट गो बैक टू मे बी 70-80 डॉलर्स, और उस चलते जो इंटरेस्ट रेट्स का साइकिल जो इंडिया के लिए बेनाइन था लास्ट 2-3 साल से, वो डेफिनेटली इफ नॉट रिवर्स कम से कम स्टॉप तो हो गया। नाउ उससे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि अब करें क्या। मेरा ये मानना है कि मार्केट बिल्कुल ये दो मार्केट्स में बढ़ जाएगा, बट भी गया है कि आप मिड कैप के नंबर्स देखें और रादर स्मॉल कैप्स के देखें और लार्ज कैप के देखें, तो दो अलग अलग कंट्रीज की बात हो रही है, नॉट इवन टू डिफरेंट टीयर्स ऑफ द सेम मार्केट। एक्चुअली दिस विल मेक द केस फॉर मिड कैप्स इवन स्ट्रॉन्गर एंड स्मॉल कैप्स फर्दर स्ट्रॉन्गर। ओके, एंड वो मैं थोड़ा एक्सपैंड करूंगा, आप बाकी लोग से व्यू ले लें। सर ठुकराल साहब, द पॉइंट इज इट राइट टाइम टू एंटर? देखिए, इक्विटी में तो आपके पास जब पैसा आप डाल दीजिए, बिकॉज इंडियंस बाय नेचर
और अंडर इन्वेस्टेड इन इक्विटी. अगर आप कोई भी कंट्री उठा के देख लें तो 12% 15% 20%, US में जाएंगे तो शायद 35-40%, बट इंडिया में तो 5% लोग ही इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. तो पहले तो ये मान लीजिए कि आप इक्विटी में अंडर इन्वेस्टेड हैं. दूसरा, अगर तेल का प्राइस बढ़ता भी है तो जो मैक्रो पहले थे, जब पहले $70 था और अगर अब 70 आता है, अब हमारे मैक्रो बहुत अच्छे हैं. 5 साल पहले हम रोते थे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट खराब है, हमारा कैट खराब है, हमारा इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी कम से कम जा नहीं रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है. अब वो सब तो पॉजिटिव हो गया है. कॉर्पोरेट अर्निंग भी अभी इस क्वार्टर थोड़ा रिवर्स हुआ है. GDP का डेटा जो आया है कल परसों, वो भी 5 क्वार्टर के बाद रिवर्स हुआ है. तो इसके बाद और रिसेंटली जो आपने देखा होगा बैंक रिकैपिटलाइजेशन में, जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था NPS का, उसके लिए 2.11 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने दिया है. उसके अलावा NCLT हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है उसमें 30 प्लेसेस का जंप हुआ है. जो 130 था वो अभी 100 आ गया है. हर साल सिर्फ एक प्लेस जंप होता था, अभी 30 प्लेसेस एक साथ जंप हुआ है. एक मिनट अरुण जी, आप इतने सारे जो पॉइंट बता रहे हैं ये सिर्फ इनको इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने के लिए बोल रहे हैं कि ये बहरीन छोड़ के इंडिया ही आ जाए? नहीं 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 नहीं, ये यहाँ बैठ के ही बना सकते हैं. इंडियन इक्विटी में तो आप यहाँ से बैठ के ही पैसा लगा सकते हैं. तो मेरे हिसाब से बहुत सारे पॉजिटिव हैं. तो जो करेक्शंस आती हैं, जो ये मार्केट में सेल लगते हैं, चाहे वो US फंड का रिजल्ट, वो अपना रेट बढ़ाए, या कभी कुछ नॉर्थ कोरिया कुछ शोर मचाए, या कोई भी चीज़, कोई जिटरी होता है, छोटी मोटी जो सेल लगती है चार या पाँच बार हर साल, उस वक्त आप ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं. अदरवाइज एज इंडियंस वी आर अंडर इन्वेस्टेड, सो वी शुड कीप बाइंग कंपनीज, गुड कंपनीज. नवनीत जी, अगले 5 साल से 10 साल के इंडिया स्टोरी सबसे बड़े ट्रिगर क्या है? व्हाई इंडिया? मैक्रो स्टोरी ओवरऑल हैज ऑलवेज बीन ग्रेट. अपार्ट फ्रॉम द मैक्रो, माइक्रो स्टोरी इन टर्म्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच हैव बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल, टेकिंग एडवांटेज और लेवरेजिंग ऑन दैट मैक्रो, आई मीन दैट स्टॉक पिकर्स पैराडाइज व्हिच वन कैन कॉल दिस स्टॉक मार्केट हैज ऑलवेज बीन देयर, एंड दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया. बट स्ट्रक्चरली आई थिंक सम ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैव हैपेंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बीट वेदर इज GST, वेदर इज अ बैंकरप्सी कोड, वेदर द वे यू एलोकेट नेचुरल रिसोर्सेज, द वे फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज हैपेंड, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरली I think we'll put India on a much more stronger macroeconomic foundation. So as I mentioned earlier, that oil prices may go up and that may have slightly negative impact in the near term. But I strongly believe structurally oil cannot sustain above 80, because that will result in much greater investment in renewable energy, much greater investment in shale at a lower level. And then wo oil ko jo कभी ना कभी खत्म होना है, वो दैट पेस एक्चुअली विल इंक्रीज. सो इट विल बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, द प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट, टू कीप द ऑयल अबव 80, बट इट्स अ मोर शॉर्ट टर्म फैक्टर. अदरवाइज आई थिंक फार मोर इंपॉर्टेंट इन अ डिफरेंट मैनर, आई एम नॉट सेइंग द स्मॉल कैप और मिड कैप्स विल आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स, बट आई थिंक द स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन देयर रिगार्डलेस ऑफ दीज साइकिल्स, रिगार्डलेस ऑफ US इंटरेस्ट रेट्स, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द अदर मैक्रो फैक्टर्स, दैट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इज रियली रियली आउटस्टैंडिंग. सो शंकर सर, देखिए जो आप पहले बोल रहे थे जी, दिवाली के आसपास मल्टी ईयर बुल रन, उसमें ब्रेक लग गया. नहीं, स्मॉल कैप्स तो स्टार्ट हुआ है, स्मॉल कैप स्टार्ट हुआ. यही मैं कह रहा हूँ कि यू हैव टू एसेट क्लासेज इन इंडिया, एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप. एंड लार्ज कैप्स को ऑयल से फर्क पड़ता है, लार्ज कैप्स को इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ता है, लार्ज कैप्स को इन्फ्लेशन से फर्क पड़ता है, स्मॉल कैप्स को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, मैं यही बोल रहा था, दैट स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटी है नाउ, वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया का लार्ज कैप भी ग्लोबल मिड कैप है और मे बी ग्लोबल स्मॉल कैप है. आई मीन ए वन और टू कंपनीज, इफ यू लुक एट द मार्केट कैप ऑफ अमेजोन और एप्पल, और इफ यू टेक ऑल द फैंग्स, द फेसबुक, अमेजोन, अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दे एड अप टू लाइक $2.5 trillion प्लस, एंड इंडिया टोटल मार्केट कैप इज लेस देन $2 trillion. अपना जो टोटल फ्लोटिंग स्टॉक है, प्रमोटर स्टॉक निकाल दो तो लेस देन $1 trillion होता है, वो तो एक कंपनी है. सो ऑन अ ब्रॉडर पॉइंट आई कंप्लीटली एग्री विद शंकर, एंड दैट्स अ पॉइंट आई मेड, दैट गोइंग एंड आइडेंटिफाइंग राइट काइंड ऑफ कंपनीज रन बाय गुड मैनेजमेंट एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, एंड यू मेक लॉट ऑफ मनी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस एट मैक्रो लेवल. ओवरऑल अगर आप निफ्टी इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, देन यू हैव टू वॉच व्हाट्स हैपनिंग इन क्रूड ऑयल, व्हाट्स हैपनिंग इन नॉर्थ कोरिया, व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन US फेडरल रिजर्व, अदरवाइज नॉट दैट. ठुकराल साहब, इन दोनों ने मिलकर थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. नहीं, मैं थोड़ा भी ऐड करूंगा, ये भी बोल रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक है, ये भी बोल रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक है.
Now, chartered accountants in Bahrain or anywhere around the world, they have some understanding about the balance sheet company. Some lot of understanding about balance sheet and company. Maybe the let's not underestimate. but point ये है कि बहरीन में बैठ के इंडिया के small cap खरीदना इनके लिए possible है क्या? नहीं, इससे पहले मैं वो बताता हूँ आपकी बात. लेकिन जो नवनीत जी ने बहुत अच्छा point बोला कि जो companies अभी list हो रही हैं या जो sector अभी list हो रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला insurance, जैसे इन्होंने बोला डायग्नोस्टिक कंपनीज, तो पिछले 2-3 सालों में या 4 सालों में जो लिस्टिंग्स हुई हैं, आप उनकी तरफ देखिए. आप जो कल्चरल शिफ्ट हो रहा है इंडिया में वो देखिए. पहले ज़माने में इंडिया में कोई बोरो करना चाहता था, सब लोग एक लोन लेते थे, हाउसिंग लोन, और रिटायरमेंट तक उसको पे करते थे. अब मोबाइल के लिए भी लोन लेते हैं, अब फ्रिज के लिए भी लोन लेते हैं. तो जो बहुत सारी छोटी छोटी फाइनेंस कंपनियाँ, निश फाइनेंस कंपनियाँ आई, उन्होंने कितना पैसा बनाया है. आप समझ रहे होंगे मैं किन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ. जो निश फाइनेंस कंपनीज़ आई, पहले लोग जाते थे एक फिजिकल अपना डॉक्टर के पास जो उनकी गली में बैठता था, अब छोटी छोटी चीज़ के लिए वो एक टेस्ट कराने जाते हैं. तो अभी डायग्नोस्टिक कंपनीज जो पिछले साल लिस्ट हुई, जिनका अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले, और बड़े हॉस्पिटल्स, पहले जब जाते थे टेलर के पास अपना कपड़ा सिलवाने के लिए, अब बहुत सारी रिटेल ब्रांड्स आ गए हैं. पहले जाते थे हम छुट्टियों में, जब ट्रेन का रिजर्वेशन करते थे तो 15 दिन की छुट्टी लेते थे, अब 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड होता है तो बाई एयर जाते हैं. तो जो एयरलाइंस लिस्टिंग हुई हैं पिछले कुछ सालों में, उनमें पैसा बना. तो ये सब आप देख रहे हैं. पहले जाते थे किराने की दुकान पे सामान लेने के लिए, अब हम जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में. तो वो कुछ लिस्ट हुए इंडिया में, वो देखा आपने. तो अगर अपने आसपास जो कल्चरल शिफ्ट हुआ वो अगर आपने देखा, पहले आप फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए यूज़ करते थे, अब डेटा के लिए यूज़ करते हैं. तो कुछ कंपनीज़ का जो प्राइस डबल हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का, वो लार्ज कैप ही हैं, पिछले 6 महीने में डबल हुआ. तो ये जो कल्चरल शिफ्ट आपके आसपास हो रहा है और जो आगे होगा, जैसे इंश्योरेंस अभी नेक्स्ट वो रास्ता है, क्योंकि ज़्यादा लोग जिएंगे, ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे, तो वो लिस्ट हो रही हैं कंपनीज़ अभी. तो ये जो थीम है, कुछ कल को अगर फ्लिपकार्ट लिस्ट होता है या ये सब कंपनीज लिस्ट होती हैं, तो आप ये देखते रहिए. तो बैलेंस शीट तो आपने पढ़ना ही है, वो आप जानते ही हैं, बट इसके आसपास जो कॉमन सेंसिकल आपके आसपास जो चेंज हो रहा है, अगर आप उसको ही देखते रहें तो ही काफ़ी है. उसी से आपका पैसा बन जाएगा, और वो मल्टीबैगर हुए हैं सारे. शंकर सर, जो आप बोल रहे थे कि इंडिया को 2 तरीके से देखिए, लार्ज कैप अलग है, सो निफ्टी लार्ज कैप स्टॉक्स छोड़ दीजिए, मिड कैप और ज़्यादा समझो स्मॉल कैप में आइए. ये डिफ्रेंशिएशन क्यों है, और इस पर आप जो कहना चाहते हैं कि किस तरह से स्मॉल कैप बाजार चले ना चले लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न देंगे? ये सिंपल एक फैक्टर ये जो मैंने देखा है कि जो स्मॉल कैप कंपनियाँ जो जिस तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिस करती थी, जिस तरह के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थे, इस पे सी चेंज आया है लास्ट के 3-4 सालों में. एस्पेशली 2008 के क्राइसिस के बाद, जब यू नो स्टॉक प्राइसेस कोलैप्स, एवेन्यूज ऑफ फंडिंग कोलैप्स, तो लोगों की अक्ल ठिकाने आ गई कि ये सिर्फ मार्केट को प्लीज करने के लिए हमने जो कैपेसिटीज लगाएं या फंड रेजिंग की, उन सब चीज़ों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, और वो ज़्यादा एक्चुअली तकलीफ देती है आपको बनिस्पत के यू नो कोई फ़ायदा दे. सो नाउ एंड मेरी दिस इज माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी कि मैं उन कंपनियों को ही देखता हूँ जो एक बार तकलीफ से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि वो फिर सेकेंड साइकिल में दे विल प्ले अ लॉट मोर सेंसिबली दैन दे प्लेड इन द फर्स्ट इनिंग्स. तो मेरे पास उतना डेटा है देखने के लिए. इन्होंने गलतियाँ किया कि उनसे मिलो, समझो दिमाग में क्या है, वापस वैसा ही खेलना है हमें, वापस चेंज करेंगे. अब मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन सारी कंपनियाँ दे टॉक सेंसिबली. In my view, they will act sensibly also. These are companies which really were crushed in the financial meltdown. And their business models have been reworked, re-engineered to ensure ki hame paisa na bhi mile to bhi hamari gaadi chalegi. If you buy the stock at reasonable valuation, there is no way you can lose money. You may not make money for some time if the prices run up or something, but losing money when you have no equity overhang or nor you have debt coming in or any debt leverage, the volatility of stock price declines dramatically. So that is very important. And they are not exposed to global macro cycle, they are not exposed to oil cycle, to credit cycle, to rate cycle, to Fed, to anything. Aur is tarah ki companies, matlab ki main aapko gina nahi sakta hu. Acha, ek cheez Navneet ji, ab yahan Bahrain mein baithkar ya Dubai mein baithkar, chaliye Shankar sir to kafi saal guzar chuke hain aur equity market mein rahe hain, lekin in logon ke liye kaise possible hai, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो इंडियन कंपनीज कैसे चूज करेंगे, कैसे पता लगेगा उन्हें कि इन स्मॉल कैप में
इन मिड कैप्स में, इन स्टॉक आइडियाज में पैसा लगाना है. One of the interesting aspect about India, and I think when Shankar was talking about the large number of companies that you can choose sitting in Dubai and maybe sitting in Bahrain, बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया ये जो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है फ्रॉम 132 to 200 जनरली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया उसमें वन ऑफ द रैंकिंग वेयर इंडिया एक्चुअली इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज नंबर 4 इज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर राइट्स एंड विच इज अ वेरी बिग थिंग इन लास्ट फ्यू ईयर्स आई थिंक सेवरल थिंग्स दैट हैव बीन डन टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर राइट्स इंडिया हैज गॉन टू एन एक्सट्रीम which is a very good thing as a shareholder and that makes the case for just going and identifying those companies sitting here chahe wo jis tarah se audit committee ka composition hai ya number of independent directors jo chahiye jis tarah se disclosure standards the rotation of auditor matlab so many things even related party transactions jis tarah ke disclosures india mein hai waise bahut sari developed countries mein bhi nahi hai and I think that's a very interesting aspect about india versus any other country क्या वो नंबर्स को फेस वैल्यू पे ले सकते हो और ओवर अ लॉन्गर पीरियड जो राइट्स आपको मिल रहे हैं वो वेरी वेरी डिफरेंट है देन अदर पीपल सो आई थिंक सिटिंग हियर सिटिंग एनीवेयर पीपल कैन इन्वेस्ट आई मीन सो मच ऑफ FII मनी कम इन इंडिया नाउ दे आर गोइंग डाउन द कैपिटलाइजेशन कर्व लुकिंग एट लार्ज नंबर ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज बिकॉज दे हैव दिस फेथ एंड दिस इज जस्ट बिगिनिंग दिस इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक अस बिकम मोर एक्टिविस्ट यू सी अ लॉट मोर मीडिया स्क्रूटनी यू सी अ लॉट मोर पब्लिक स्क्रूटनी आई थिंक इट इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्रीजिंगली वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंडिया आई सॉ द फर्स्ट वेव इन 2003 वेर बहुत सारे प्रमोटर्स थे कि यार ये सब छोटा मोटा दिमाग लगा के फ़ायदा नहीं है हम इधर उधर से कहाँ पैसा निकालते हैं क्या कुछ करते हैं इससे अच्छा है मार्केट कैप बनाते हैं एंड इट्स अ बेटर थिंग टू डू मे बी 2008-09 के बाद में वापस कुछ एक्सेस लेवरेज हो गया एंड लोग संभल नहीं पाए वो क्रैश के बाद अभी वापस द टेंडेंसी इज देयर एंड एज ऑल द चेंजेस वेदर इट्स GST वेदर इट्स यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन एटसेट्रा इंक्रीजिंगली लोगों को पता है कि यार टैक्स बचाना मुश्किल होगा आगे जाके उस पैसे को कहीं लगाना मुश्किल होगा बाहर निकाल दिया इससे अच्छा है मार्केट कैप पे ही काम करते and then let's become big and that tendency is a very good thing when you think about from an investor perspective so I 100% agree with my friend the only problem Shankar I think is that valuation is very critical I'm sure you also made that point kai sare small mid caps aise hain jahan par matlab जो आप वैल्यूएशन देखते हो मतलब अगले 2-3-4 साल जो होने वाला है वो काफ़ी डिस्काउंट हो गया है सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव ऑल्सो इवन इफ अ ग्रेट कंपनी जैसे कोवर्ट मार्क्स का बहुत अच्छा कोट है यार एवरीथिंग इज ट्रिपल ए एट ए प्राइस एंड एवरीथिंग इज जंक एट ए प्राइस कितना भी ट्रिपल ए हो अगर आप उतना प्राइस दे रहे हो अगर आपने लीवर खरीदा या नेस्ले खरीदा या बेस्ट कंपनीज 2000 में जब 70 के पी पे खरीदी अगले 10 साल तक ग्रोथ आई उन सब कंपनीज में पैसा नहीं बना ऑल आईटी कंपनीज दे शोड ग्रोथ फॉर 10 ईयर्स पैसा नहीं बना क्योंकि आपने 100 का पी पे कर दिया तो वैल्यूएशन का ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है तो शंकर सर बल्कि मैं तो वैल्यूएशन पे ही नहीं करता हूं मुझे तो 100 रुपए की चीज 5 रुपए में चाहिए और वो तभी मिलती है जब वो गलतियां करके कंपनी सेकंड इनिंग खेलने आती है और क्राउड उस पर अंडे फेंक रहा होता है कि ये तो साला पहले बॉल में जाएगा उस वक्त उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 है मुझे उस वक्त दो बैट्समैन को पकड़ना है लेकिन एक चीज सीधी बात है एक चीज उस वक्त डिस्प्रोपोर्शनेट पेनल्टी देना पड़ता है कंपनियों को जो भी पाप उसने किए थे तो 14 साल का बनवास करो 14 क्वार्टर का करो जो भी करो लेकिन बनवास के बीच में मैं जाके देखता हूँ कंपनियों हाँ तो जो महंगे होने की बात करें कि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है आपने एक चीज बोली कि अगर आपने अच्छी चीज ले ली तो वक्त लगेगा वक्त लग सकता है किसी भी प्राइस में आपने ले ली वक्त लगेगा तो क्या इंडिया उस स्टेज पे अभी स्मॉल कैप माइक्रो कैप में कि अगर आपने ले लिया तो वक्त लगेगा ये महंगा जो है बहुत सारे स्टॉक्स है नहीं लाइक आई सेड कि मैं तो महंगी चीज लेता ही नहीं हूं तो मतलब मेरे लिए ये बात अजीब सी लगती है कि मैं महंगी चीज मतलब तो लेता ही नहीं हूं पहले बात बाय फिलॉसफी मैं ले ही नहीं सकता हूं बट यूर राइट वैल्यूएशन हैज टू बी लुक्ड एट बट दैट सेड जस्ट टू मेक वन केवियट वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव चीज है करेक्ट एंड वैल्यूएशन मैं एक ही टाइम में देखता हूं मैं वैल्यूएशन बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूं वैल्यूएशन में एक ही टाइम में देखता हूँ ओनली एट एक्सट्रीम्स तो अगर कोई चीज 2-3 PE पे चला गया हो या कोई चीज 50+ PE पे चला गया हो तो उसका कोई मीनिंग है कई बार मिडिल में तो आप 20 पे जस्टिफाई कर सकते हो 25 भी ठीक लगता है 30 भी सही हो सकता है 35 भी सही हो सकता है 40 भी सही हो सकता है सो वॉट इज दैट राइट वैल्यूएशन वेरी हार्ड टू टेल सो यू हैव टू ओनली लुक एट द टू टेल्स सो वी हैड अ सिमिलर व्यू दैट 3-4 साल पहले की
हिस्टोरिकली मार्केट एक प्रीमियम देता था साइज और स्टेबिलिटी के लिए, और अभी जिस तरह के डिसरप्शंस हैं इकोनॉमी में, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज हो रहा है, या जो GST आएगा, लॉजिस्टिक्स चेंज हो रहा है, कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या क्या डिसरप्शन कर सकती है, जिस तरह से काफ़ी कॉस्ट नीचे आ रही है, चाहे आपको रियल एस्टेट प्रोक्योर करना हो या लेबर कॉस्ट है या रॉ मटेरियल्स है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो एक न्यू सेट ऑफ विनर्स आएंगे. और हर रैली में होता है, 91 का जाके सेंसेक्स देख लीजिए और उसके अगले कई सालों तक वो जो स्मॉल कैप थे 92-93 के, वो कहाँ मेगा कैप बन गए 98-2000 तक आते आते. दैट हैपन्स इन एवरी साइकिल एंड दिस साइकिल वुड बी द सेम. दैट हैज बीन आवर व्यू एंड एंड सम ऑफ आवर फंड्स हैव बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरली बेनिफिशियरी ऑफ दैट. ठुकराल साहब ये सर्टिफाइड योगा टीचर भी हैं, बहुत कम लोगों को पता है. तो ये बड़े योगा और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बहरीन आए हैं, तो बहरीन वाले जो ये इन्वेस्टर्स हैं वैसे तो सारे ज्ञानी हैं, सीए हैं. अगर उसके बाद भी कुछ आप दे सकते हैं तो बताइए. नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं सिर्फ याद करा सकता हूँ. दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं. पहला तो है कि आपने गुनास के बारे में सुना होगा कि रजस, तमस और सत्व, ये हर इंसान के अंदर होता है. तो अगर आपके अंदर तमस गुण है तो जो बाकी दो गुण है वो पीछे चले जाते हैं और वो तमस आगे आता है. मतलब आप लेजी हैं, आपका पैसा पड़ा है, आप इन्वेस्ट नहीं करते, और आप कुछ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप रेस्टलेस हैं. तो आप अगर तमस प्रवृत्ति के हैं तो उससे बाहर आइए. अगर आप रजस प्रवृत्ति के हैं, बहुत अग्रेशन है शंकर भाई, तो फिर इतना ज्ञान रखिए कि सही कंपनी सेलेक्ट कर सकें. जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं ढूंढता हूं, अगर मैं रजस हूं, अगर मेरे में एनर्जी है तो मैं फिर ढूंढता हूं, फिर वो मेहनत करता हूं, तो आप फिर अच्छे स्टॉक पिकर बन सकते हैं या आप अच्छे टेक्निकल ट्रेडर बन सकते हैं. आप ट्रेडिंग, टेक्निकल ट्रेडिंग सीख लीजिए फिर, क्योंकि आप रजस हैं, आप कुछ ना कुछ तो करेंगे. अदरवाइज अगर आप सात्विक हैं तो आप अच्छा एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए. आप नवनीत भाई के किसी एक अच्छी स्कीम को देख लीजिए और उसमें पैसा डाल दीजिए. तो आप अपने को खुद समझिए. और एक चीज मैं देखता हूँ कि जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी इंडिया में है, अगर हम वॉरेन बफे की बात करते हैं तो सब बोलते हैं ग्रीड एंड फियर इज बैड, बट 2000 ईयर्स बैक अपने योग सूत्र में पतंजलि ने भी पांच चीजें बोली हैं कि पांच क्लेश होते हैं हर एक इंसान की जिंदगी में. अगर ये पांच क्लेश आप कम कर दें तो आपकी लाइफ बेटर होगी, ना केवल आपकी लाइफ पर आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ भी. तो पहला है अविद्या, द श्लोक है अविद्या अस्मिता रागा द्वेष अभिनिवेश. तो फर्स्ट इज अविद्या, मतलब आप नॉलेज लाइए, आप थोड़ा पढ़िए. जब आप एक फ्रिज खरीदने जाते हैं तो आप चेक करते हैं ना, सिंगल डोर, डबल डोर, फ्रॉस्ट, ये मोबाइल लेते हैं. तो अगर आप शेयर खरीदते हैं तो थोड़ा सा तो पढ़िए, कुछ तो जानिए, प्रमोटर कौन है, कंपनी क्या करती है. तो अविद्या कम करिए, इस क्लेश को कम करिए. दूसरा है अस्मिता, ईगो. हम सबके अंदर ईगो है, खासकर बुल मार्केट में तो हमारी ईगो बहुत स्ट्रांग होती है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए. अगर आप बीमार होते डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर क्योंकि MD है, आप उसको फीस भी देते हैं, जो पैसा मांगता है आप देते हैं. बट आप स्टॉक जब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं खुद करूंगा. तो इस ईगो को कम करिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाइए, किसी रिसर्च एनालिस्ट के पास जाइए जिसका काम दिन रात यही है, वो पूरा दिन चार्ट देखता है, पूरा दिन कंपनीज के बारे में पढ़ता है, उसको कुछ फीस दे दीजिए, वो करेगा आपके लिए. थर्ड इज रागा, अटैचमेंट. हम हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है गोल्ड से, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है रियल एस्टेट से, तो उस अटैचमेंट को थोड़ा कम करिए. फोर्थ इज द्वेष, हेटरनेस. यू हेट स्टॉक मार्केट बिकॉज समबडी लॉस्ट मनी, यू लॉस्ट मनी, योर फादर लॉस्ट मनी, योर अंकल लॉस्ट मनी, योर फ्रेंड लॉस्ट मनी, एंड यू स्टार्टेड हेटिंग स्टॉक मार्केट. प्लीज डोंट हेट स्टॉक मार्केट, इट इज नथिंग बट यू आर बाइंग ए पार्ट ऑफ द बिजनेस. एंड फिफ्थ इज अभिनिवेश, विच इज फियर. कि आपका 100 अगर 90 होता है तो आपको बहुत दुख होता है, अगर 100-120 होता है तो बोलते हैं ठीक है यार, मैंने पैसा लगाया था, इतना तो होना ही चाहिए. सो इसको भी कम करिए. इक्विटी इज नॉट अ, इट विल नेवर गिव यू लीनियर रिटर्न, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल मेक मनी. तो दीज फाइव क्लेशास इफ यू मिनिमाइज, आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ भी अच्छी होगी और आपकी नॉर्मल लाइफ भी अच्छी होगी. दैट इज व्हाट आई थॉट आई विल टेल यू. अभी कुछ पिछले पाँच दिनों में हम देख रहे हैं कि ताइवान में, इंडोनेशिया में और फिर कोरिया में भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 3 बिलियन से ऊपर के बिकवाली की है. इंडिया में भी ऑफकोर्स डेली FIIs के नॉर्मल सेल्स का ही फिगर आ रहा है. कल हमारा मार्केट भी काफ़ी डाउन था, इवन इफ DIIs ने परचेस किया. ये कुछ इंडिकेशन है या जस्ट एज अ ब्लिप माने और कुछ भी नहीं है? आपको एक लाइन का मैं की सलाह दूंगा कि इस फिगर को आप देखना बंद कर दें आज से.
ये बिल्कुल वाहियात, बेबुनियाद, विदाउट एनी साइंस और लॉजिक का फिगर है. और मैं किसी को भी चैलेंज करता हूँ, लास्ट जब से मेरे ख्याल डेटा पब्लिश हो रहा है 20 साल हो गए एफआईआई का डेली परचेज सेल, मेरे को कोई कोरिलेशन दिखा दीजिए मार्केट के साथ, मैं कुछ भी हारने को रेडी हूँ. द मार्केट फॉर एवरी बायर देर इज अ सेलर. आज एफआईआई ने लिया तो किसी ने बेचा, तो हम कहते हैं कि एफआईआई ने लिया. अगर मार्केट ऊपर हो, हम कहेंगे जी एफआईआई ने लिया, देखो मार्केट ऊपर हो गया. तो मैं कहता हूँ किसी ने तो बेचा ना यार, तो उसके चलते क्यों नहीं फिर मार्केट नीचे हुआ. सेम थिंग, डीआईआई लिया, मार्केट ऊपर हो गया, तो एफआईआई ने बेचा. फैक्ट ऑफ द मैटर इज फॉर एवरी बायर देर हैज टू बी अ सेलर. सो देयरफॉर मार्केट डायरेक्शन का इन बाइंग और सेलिंग से 0.00% कोरिलेशन है. आई विल टेल यू, स्टॉप लुकिंग एट एफआईज, जस्ट लुक एट 1% नवनीत मुनोत. फ्रॉम 7000 टू 10500 होल क्रेडिट गोज टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हु हैज पुट इन सो मच ऑफ मनी इन टू इंडियन इक्विटीज. अरे अभी उनका कॉन्फिडेंस आया है, पैसा लगा रहे हैं. हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया फंड मैनेजर्स हैं जो मैनेज करें, तो फिर क्यों एफआईएस देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इज यूजुअली हैविंग अ वेरी लेस मार्जिन विथ लो प्रोडक्टिविटी. इफ यू सी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स आर ऑलवेज बीन लो, बट इट्स सब्जेक्ट टू देयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर हाई, सो दैट दे आर मेकिंग अ गुड रिटर्न्स एंड ऑफ द डे. But how do you see for an investor, and what is your advice now, because India is opening for insurance sector heavily, that how investors should be? You advise us to watch and wait and see how the market reacts to the insurance company, you know, stock portfolios, or you want us to invest today? Why people are that paying that price is just for growth, that financial inclusion, the overall financial penetration in India is abysmally low, and over a period of time that is likely to increase very substantially. Aadhi population ke paas bank account bhi nahi tha, to chance hi nahi tha ki wo log kuch mutual fund le paate ya insurance le paate ya credit card le paate, and that penetration is increasing substantially. By nature they are rich and very high quality business. I'm sure if anybody who's read Warren Buffett knows about the, you know, importance of some of these business, I mean from a profitability perspective, those are rich businesses. But again, I'll repeat one and the same thing in a different manner, that for every business, several times we get too carried away by that overall macro long-term story. Size of opportunity is important to look at a business, whether, I mean, that is going to be big or not. But I think valuation is the most critical thing. How much you are paying for that growth? And if a business is highly profitable, it is growing very fast, obviously there is going to be a lot more competition in that business. So you have to see all those aspects and bet on the people who have competitive advantage, who have the depth in the management, who have the right kind of, the strategy and the execution ability, and then bet on a guy. Can you throw some light on ETF indices and how it is comparatively better than mutual fund, if any? World over, the trend is definitely towards ETFs, and I have a lot of FII fund managers, very old friends of mine, who tell me that there is a lot of pressure of assets moving to ETFs. India is still nascent. India still actively managed funds are able to deliver reasonable returns because the universe is not fully capturing the level of opportunity. Over time, I do not doubt that India will also mirror the ETFs, will definitely get a fair share of the mutual fund, of the investment fund pie. Personally, on a global basis, I only buy ETFs. I do not buy actively managed funds. So that is my personal philosophy. So, I mean, I'm not saying you should do that, you should not do that. As long as you pick the fund manager right, you can build a lot of alpha. Okay. But for that, you again need to do a lot of hard work. Again, picking a fund manager is as difficult as picking the stock. So, you know, spend some time looking at the data. Just don't blindly buy a fund. That is again very important. Sir, given the current valuations, in your opinion, which are the three best sectors to invest in, which provide the best opportunities for investors? Like I said, that I am a big fan of Indian small caps, and I've said this for the last 3 years, they're the best, single best asset class in the world. Now, therein, there are lots of companies. So I don't follow a sectoral approach. I follow a bottom-up approach where sector might be very bad, but I find a good company in that bad sector, or vice versa. So I cannot give you a sector within small caps. Broadly, I like metals and commodities. So as a sector, those plays, I've been very bullish for the last 2 years, and I continue to be very, very bullish on that space. And the second space I like are chemicals of all kinds, that again, due to a variety of reasons across the whole spectrum of chemicals, I've seen a huge bull market. And I think that is a structural shift. So that's the second sector I like. Navneet? Three C's, corporate lenders,
construction and communication. Why don't we have from you also, Tugral sir? We are more bullish on auto and auto ancillaries, and then a lot of housing, home improvement companies, the companies who make tiles, who make pipes, even cement. So all these companies, sanitary ware, so these are, and textile also, as a contrarian play. Okay. Can we have some questions from audience? Okay. How you see the shift of the better valuation compared to banks, which is regulated, highly regulated, versus NBFC? You did give an example of the consumer durable financing. But how do you see the shift from valuation increase in NBFCs in fintech space? Stock market mein sabse important hota hai capital cycle. कौन सा सेक्टर है जहाँ बहुत कैपिटल चेस कर रही है, कौन सा सेक्टर है जहाँ पे कोई कैपिटल लगाने को तैयार नहीं है या इन्वेस्टर देखने को तैयार नहीं है. एंड उसमें क्या होता है दैट एंड वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर इन 90s, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स इंडिया इज सो अंडर लिवर, देर इज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, NBFC खोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एटलीस्ट पैसा देने के लिए इट्स ऑलवेज अ वेरी ईजियर थिंग दैन पुटिंग अप ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. एंड लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट दिस एम्बिशन दैट वी कैन रियली एक्सपेंड बिग, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ मिसहैप्स विल हैपन. वी हैव सीन वॉट हैपन इन कॉर्पोरेट लैंडिंग टूडे. एवरीबडी थिंक्स रिटेल लैंडिंग इज वेरी सेफ, विच इज एक्चुअली इज थैंक्स टू सिबिल, आधार एंड सो मेनी अदर थिंग्स, एंड पीपल जनरली डोंट डिफॉल्ट. एंड वी हैव सीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी cycle. Despite this slowdown, we have not seen retail defaults. But when too much of capital chases, underwriting standards will go down, there would be some problems in the sector. You have to really bet on the right guy who understands risk management, who understands this business very, very deeply, and who have a long experience. Otherwise, there would be some challenges. There is no doubt about it. Yeah, next question, please. So my question is, if a new initial investor wants to get into a market, which of the mode will be the best for him to enter market? It will be SIP, mutual fund, or any other mode to enter market? So, agar aap first time kar rahe hain, agar aapko pehla kadam uthana hai, to do hi tarike hain. Ya to aap agar aap stocks ke bare mein jante hain ya kuch padhai karna chahte hain, matlab you have some passion to know about stocks, tab aapko stocks mein jana chahiye. But uske pehle agar bilkul kuch nahi jante hain, to aap mutual fund ek acha equity diversified. और अगर उतना भी रिस्क नहीं लेना है तो एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी 65% होती है ताकि आपको टैक्स का बेनिफिट मिले. बट आपको शुरुआत ऐसे ही करना है, आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं जाना है, और मिड कैप स्मॉल कैप जो शंकर जी बोलते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी है उसमें नहीं जाना है. तो आज आपने देखा किस तरह से पहला कदम के इस एपिसोड में हमने न सिर्फ बहरीन के लोगों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरतों को पूरी तरह से सामने रखने की कोशिश की, बल्कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में जितने NRIs हैं, मुझे उम्मीद है वो भी इस शो से आज फायदा उठाएंगे. ये सही वक्त है हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करने का और इक्विटी से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का. और इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं नवनीत मुनोज साहब, शंकर शर्मा जी और अरुण टकराल साहब. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत ही अच्छी तरीके से न सिर्फ बहरीन वालों को बल्कि दुनिया भर वालों के लोगों को ये संदेश दिया कि किस तरह से इक्विटी से वेल्थ बनाई जा सकती है. और बहरीन के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का और यहाँ के CA चैप्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.